इस प्रवृत्ति को हाउस लिफ्टिंग बोलते हैं। अगर मकान आपका सड़क से नीचा हो गया तो मकान को उठाने के लिए जग सिस्टम का तकनीक का जुगाड़ से तकनीक से हम लोग उठाते हैं, टेक्नोलॉजी से उठाते हैं, इसको जग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। पूरा सेफ्टी है, 100% गारंटी। अगर कोई कहता है मकान अगर उठाने से कमजोर हो जाता है, घर गिर जाता है, ऐसा कुछ नहीं। हम नेपाल में लगभग 15 साल से काम कर रहे हैं, जनकपुर, लहान, विराटनगर, आपको काठमांडू वगैरह में हर जगह हम लोग काम किया। इंडिया में ऑल ओवर इंडिया सर्विस देते हैं। अब नेपाल में लगभग 150+ बिल्डिंग उठा चुका है, आज तक कोई समस्या नहीं है। एक मंजिल का स्क्वायर फीट का होता है नेपाली 300 रुपया स्क्वायर फीट, डबल का 600 रुपया स्क्वायर फीट। इसी टाइप से तल्ला बढ़ते रहता है, स्क्वायर फीट बढ़ते जाता है। हम लोग 7 फ्लोर तक काम करते हैं। जहाँ पिलर का कटिंग करते हैं वहाँ नीचे का सरिया और ऊपर का सरिया वाइल्ड करके यो लेवल में अगाड़ी घर थियो र अहिले उहाँहरुले चाहिँ यो घरलाई चाहिँ उचाली सकेको अवस्था छ भने यहाँसम्म नयाँ वाल बनाइसकेको अवस्था छ। यो विराटनगरको बस पार्क नजिकैको ठाउँ हो र यहाँनिर तपाईँ देखिरहनु भएको छ 2.5 तल्लाको घर हो र यो घर निकै गहिराईमा परेको थियो किनभने अगाडि जुन राजमार्ग बन्यो त्यसपछि यसका घरधनीले भारतबाट प्रविधि झिकाएर उचाइ बढाउने काम गरिरहेका छन्। अभी हम लोग जैसे अभी उठा रहे हैं, पहला जो सेटिंग करते हैं हम लोग, तो पहले सेटिंग करने के बाद जैसे तोड़ तोड़ के बीच बीच मिट्टी पीसी से नीचा, जैसे बीम हुआ, बीम के नीचे से मिट्टी खुदाई करते, 2-1 का गड्ढा करके मिट्टी खुदाई करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे दीवार रहता है, तोड़ तोड़ के जग टाइट करते जाते, जग टाइट करते जाते। इसी प्रकार से हम लोग टोटल बिल्डिंग है, 1700 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को जग पर ले आते हैं। जग पर लेने के बाद हम लोग का स्टाफ जो रहता है, जो स्टाफ रहता है वो सब ट्रेन रहता है। अब उसको उठाना रहता है, हम लोग का उठाते हैं। जैसे बोलेंगे नंबर 1 मारो लाल पे, तो अभी सभी लड़का घुमा रहा है, नंबर 1 मारो लाल पे, लाल चिट्ठे 1 मिला का कोड भाषा होता है, लैंग्वेज होता है, कोड लैंग्वेज है हम लोग का। वो जो लड़का बोलते हैं ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर इसी टाइप से 96 नंबर होता है, तो 4 इंची जग खुलता है। 4 इंची खुलने के बाद फिर वो लकड़ी का जो गट्ठल आप देख रहे हैं, वो लकड़ी का गट्ठल लगाते हैं। लगाने के बाद इसी तरफ से 12 इंची खुलता है जग, तो फिर हम लोग का ब्रिक वर्क होता है, बारी बारी से जग को खोलते हैं, खोलते जाते हैं, फिर उसको टाइट करते जाते हैं। इसी प्रकार से जोड़ के पूरा जग को फिर से जीरो कर लेते हैं। इसी टाइप से हम लोग का प्रोसेस है। अभी बिल्डिंग 3 फीट उठ चुका है, 4 फीट उठ रहा है, 4 फीट में 3.5 फीट लगभग हो गया, फाइनल होने वाला बिल्डिंग। कल से इसका फाइनल जोड़ाई चलेगा। जहाँ पिलर का कटिंग करते हैं वहाँ नीचे का सरिया और ऊपर का सरिया वाइल्ड करके उसको अच्छी तरह से भर के पैकिंग करके ऊपर से गुदाई करके उसको एकदम बिल्डिंग को शिफ्ट किया जाता है, नीचे किया जाता है। फिर जहाँ वाल रहता है वाल में एकदम जीरा गिट्टी दे के पूरा DPC करके बिछा देते हैं। आपका बिल्डिंग अगर कोई सड़क से नीचा हो, बार बार पानी लगता हो, बेस कमज़ोर हो गया हो, बिल्डिंग झुक गया हो, अगर बिल्डिंग एक जगह से दूसरा जगह ले जाना चाहते हो, वो भी मेरे पास टेक्निकल आ गया। कोई बिल्डिंग सड़क में आ गया, उसको आगे पीछे करना चाहते हो तो पीछे करके उसको बाय भूकंप रोधी बेस बना के फिर बिल्डिंग को ले जाके उस पर शिफ्ट कर देते हैं। ये जैसे अभी ये घर कितना स्क्वायर फीट का है और इसमें कितना मजदूर आपका लगा हुआ है? इसे 1700 स्क्वायर फीट का मकान है, इसमें लगभग हम 35 मजदूर काम कर रहे हैं। कितने दिन से कर रहे हैं? इसमें 1.5 महीना से काम कर रहे हैं, 2 महीना का लगभग प्रोजेक्ट रहता है हम लोग का। जो स्क्वायर फीट लेते हैं, स्क्वायर फीट से मकान चलते, जैसे 1 मंजिल का स्क्वायर फीट का होता है नेपाली 300 रुपया स्क्वायर फीट, डबल का 600 रुपया स्क्वायर फीट। इसी टाइप से तल्ला बढ़ते रहता है, स्क्वायर फीट बढ़ते जाता है। हम लोग 7 फ्लोर तक काम करते हैं। 7 फ्लोर का कितना लगता है स्क्वायर फीट? लगभग रखिए ना 1500 रुपया स्क्वायर फीट एनसी। हाँ, इसमें आप लोग क्या क्या कर देते हैं? इसमें हम लोग मकान को जितना उठाता है 4 फीट उठा के पूरा मकान को जोड़ के रॉ मटेरियल भी आपका यूज होता है? ना, रॉ मटेरियल पार्टी देता है, मजदूरी हम लोग कराता है। जो मजदूरी उठा के 4 फीट उठा के फिर मकान को जोड़ देना है, जहाँ पिलर है पिलर हाल देना है, मकान को शिफ्ट कर देना, फिर पार्टी मिट्टी डला के फर्शिंग कराता है, वो अपना पार्टी कराता है, प्लस्तर पार्टी करवाता है। अगर कोई हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, नेपाली नंबर है 9817795509, इंडियन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है +9182107766001, इस पर हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, मकान उठाना चाहते हैं उस पर कांटेक्ट करें। आप लोग सर्विस नेपाल में कहीं भी दे सकते हैं? कहीं भी, ऑल नेपाल कहीं भी सर्विस दे। लगभग 10वां घर उठाए हैं विराट में। मेरा नाम हुआ इंजीनियर लालचंद कुमार गुप्ता। एड्रेस है मेरा सहरसा, बिहार, इंडिया से हम लोग बिलोंग करते हैं। LVL हाउस लिफ्टिंग कॉन्ट्रेक्शन। खोजमूलक र तथ्यपरक समाचार तथा स्वस्थ मनोरञ्जनका लागि भिजुअल पोस्टलाई लाइक, सब्सक्राइब र शेयर गर्नुहोस्।